जय हिंद, नमस्कार मेरे सर सैनियर लॉर्ड और लॉर्ड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली जो भी बच्चे चाहे ITBP, CRPF, CISF, SSB या और भी किसी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी बैच में, तो रक्षक बैच करके सभी के लिए, ITBP के लिए भी, CISF के लिए भी, CRPF के लिए, क्योंकि पूरे ट्रेडों का सिलेबस सेम है, इसलिए सेम ही तैयारी होती है सभी ट्रेड में। अगर आप ऑफलाइन अकेडमी में आना चाहते हैं तो उसका भी अभी नया बेस शुरू होने वाला, तो आप अकेडमी भी आ सकते हैं। अभी ये ट्रेड टेस्ट देखे आया, एक फेल हो गया, एक पास हो गया है। ठीक है, पहले जो पास हुआ उसका बता, पास किस में हुआ? ITBP। नाम क्या है तेरा? मेरा सौरभ सर। सौरभ बचा। ITBP का ट्रेड टेस्ट कब था? ये था 17 तारीख, पिछली 17 तारीख। पिछली 17 तारीख को क्या क्या हुआ था उसमें बता। मैं पहले तो रनिंग हुई थी 1600 मीटर। 1600 मीटर समय? समय 6 मिनट, 6:30 मिनट था। और फिर ये ऊंची कूद थी 3.5। अच्छा, ऊंची कूद भी थी 3.5 फीट। और फिर लंबी कूद थी कितनी? 12 फुट। 12 फुट हो। ये बार हाइट और फिर चेस्ट। हाइट और फिर चेस्ट, यानी काफी अच्छा पड़ाव था जो भी ITBP में पास हुए उन लड़कों के लिए। ITBP के तो अभी भी चल रहे हैं ना या बंद हो गए हैं? अभी चल रहे हैं फिलहाल, है ना? अच्छा, तो उसमें सब में पास हो गया था तुम? अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ था उसमें? ट्रेड टेस्ट भी हुआ या नहीं हुआ? ITBP में बात कर रहा हूँ, बस ये इतना ही चीज हुई थी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गया था? डॉक्यूमेंट तो सभी लिए, डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए। चेक, डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ, मतलब केवल फिजिकल की एक्टिव हुई है। जो भी बच्चे ITBP वाले, ध्यान रखना भाई, ITBP में 1600 मीटर की रनिंग, समय था 6:30 मिनट, ऊंची कूद थी 3.5 फीट, है ना, और लंबी थी 12 लड़कों के लिए। लड़कियों ने काफी पास किया इसको, तो यही था ना। और इसके अलावा टेस्ट मेजरमेंट, तो इसका तुमने क्वालिफाई कर लिया है। अब इसके पेपर की कोई अपडेट? हाँ, फिलहाल ये है कि ये इसका पेपर लाडो, ध्यान रखना मई के महीने में हो सकता है, मई या जून में। ठीक है, मई या जून में ये पेपर हो सकता है, क्योंकि इस महीने तक सारे ITBP के क्लोज हो जाएंगे, फिजिकल विजिकल, जिनका बच्चे कुछ रहेंगे वो भी। उसके बाद में इसका था CRPF का, सॉरी CISF का ट्रेड टेस्ट। कौन सा ट्रेड? ये बुक में, इसमें किसमें बाहर किया था तेरे को टेस्ट में, जबकि ITBP में बाहर नहीं किया? वहाँ कितना चेस्ट बताया था उसमें? पहले मेरा चेस्ट नेपा तो फिर 80 से 83 था, बोला कि सब लगा ले, ये लगाई तो फिर उसमें वापस नेपा वो 78 कर दिया, दो कम और कर दिया। ऐसा होता है भाई, वो पुशअप लगाने से कम नहीं हुआ तेरा, वो होता है कि मान लो फीता जब डाला था ना पहले, तो ऊपर डाल दिया, चेस्ट में। ये ध्यान रखना भाई, चेस्ट मेजरमेंट में भी जिनका थोड़ा बहुत चेस्ट कम है ना, थोड़ा तन के खड़ा होना है ऐसे बढ़िया से। ठीक है, ऐसे खड़ा होना, साइड में जो पीछे की जो काप होती है ना, इधर पीछे को ये जो काप होती है ना, इसको टाइट रखना, का टाइट इसको ऐसे। हाँ, ये इतना टाइट तो नहीं करने देगा वो, ऐसे हाथों को टाइट करेगा तो ये हो जाएगी। ये वाला ऐसा टाइट होना चाहिए, इसको भी चेस्ट में फेल कर दिया है। तो रनिंग से पहले हुई थी चेस्ट या बाद में? वहीं भी फेल कर दिया और वहीं भेज दिया, बोला जाओ कमांडो किट में। फिर 3 बजे फ्री। अच्छा, ऐसे क्या बोला अभी तू, नाबालिग है? 150 बच्चे पास चेस्ट में, बाकी को फेल। ये ओवरऑल हाइट में एकदम से और बाकी के। अच्छा, चेस्ट और हाइट में भी काफी फेल हो रहे हैं ना, मतलब चेस्ट में फेल हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखना भाई, जिनकी थोड़ी सी हाइट बराबर है उनको क्या करना है, पैरों की जो नसें उनको थोड़ा टाइट करके, हिप टाइट करके खड़ा होना हमेशा, हिप का जो एरिया है उसको पूरा टाइट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और इस प्रकार से गर्दन बिल्कुल सामने देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं, नीचे देखते हैं सोचा ऊपर, या ऊपर देखते हैं ऊपर से नहीं, पीछे से, यहाँ से होती है हाइट से, इसलिए सामने देखना पूरा। ठीक है, जय हिंद।